बोलिराम है, बोलिराम जी नमस्कार। ऐसा है, एक बात में आप विष्णु का अवतार है। अब ये देखो आप, ये है, ये कतल लोग, ये कलयुग में विष्णु का अवतार, ये भगवान राम से बड़े हो गए। कहाँ तो तुम्हारी ईवीएम में सेंधरी लग सकती है, और कहाँ इमीडिएट वो रखी 6 लाख वीवीपैट खराब हो गई। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तरीका है ना। अगर मोदी जी अगर अच्छा काम करते हैं तो पूरे भारत में लेकर के एक जैसा कानून नहीं बनाते हैं। ये कानून तभी तो पास हुआ था जब 143 सांसद बाहर थे, विपक्षी आवाज नहीं सुनी गई, जो आवाज उठा रहा था उनको सबको सस्पेंड कर दिया, अकेले सदन में मौजूद थे, उठा के कानून पास कर दिया। तानाशाही बिल्कुल चल रही है। अगर वो मुद्दे सॉल्व कर देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। आप ईवीएम से भी चुनाव कराना चाहते हो, ठीक है जी, ईवीएम से चुनाव करा लो। इलेक्शन कमीशन सबसे पहले उस बात का जवाब दे देगा, 19 लाख ईवीएम मशीनें कहाँ हैं। नंबर 1 है गोहत्या को 5 गुना बढ़ा दिया, प्रति वर्ष 18,50,000 मीट्रिक टन बीफ का निर्यात होता है भारत में ब्राजील के साथ। किस तू भाई तरबा का कार्ड को मोदी 15 लाख सुनो, हर बंदे के खाते में 15 लाख, अरे 50-50 लाख दे दिया सबको यार, 50-50 लाख दे दिया। ऐसा है कि सबसे पहले तो ईवीएम समाप्त होगी तो अच्छा होगा, नहीं तो सर्व सत्यानाश होगा। तो सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हो रहा है ईवीएम के खिलाफ, क्योंकि 2024 के चुनाव भी आ रहे हैं, ऐसे में ईवीएम को टारगेट करना, क्या विपक्ष के पास ये मुद्दा रह गया, जनता क्या सोचती है, इनसे हम बात करेंगे। शर्मा जी ने ईवीएम का घोटाला खोला ही था, कैसे झोल हुआ था, कल बहुत बड़ा आंदोलन है, क्या लेके चल रहा है ईवीएम के खिलाफ? बहुत खुशी हो रही है कि आंदोलन जोर पकड़ रहा है, आंदोलन पे आए लोग, कम से कम लोगों को समझ में आया कि ईवीएम कितना बड़ा जरूरी है। आंदोलन बिल्कुल जरूरी है साहब, ये ईवीएम अगर पाक साफ है तो मेरी तो सीधा सीधा एक सवाल है, अगर आप सही हो तो आपको कोई डर नहीं। और विपक्ष आवाज उठा रहा है कि ईवीएम में घपला है, जनता आवाज उठा रही है कि ईवीएम में उन्हें घपला महसूस होता है, आप कर दो खत्म, उनका डाउट क्लियर कर दो, हटा दो उन्हें उस बात से कि हाँ ठीक है जी ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। और आपके अगर डाउट्स हैं और हम पाक साफ हैं, हमारी इतनी बेस है, वैल्यू है कि हमें वोट मिल जाएगा। जनता उठा रही है मुद्दा, लेकिन जो मेन नेता है विपक्ष के, बड़े नेता, वो क्यों नहीं आ रहा है सड़कों पर? दिग्विजय सिंह जी क्या बड़े नहीं है? बयान दे रहा है, आ नहीं रहा है। सर देखो, आने सड़क पे आना और उनका, दोनों में फर्क होता है। अच्छा। सड़क पे आना है, हमारे जैसे लोग तो चलो आम आदमी, हम तो सड़क पे आ सकते हैं। हाँ। उन्होंने अगर बयान भी दे दिया तो उनका बयान लाखों लोग पढ़ते हैं, दूर दूर तक उन लोगों की आवाज जाती है, तो ऐसा नहीं है कि उनकी बातों में दम नहीं होता। इसलिए मुद्दा उठा रहे हैं ट्रक आंदोलन, ये आंदोलन, वो आंदोलन, ताकि राम मंदिर बन रहा है, उनके दर्द हो रहा है राम मंदिर बनने का। किसी को कोई दर्द नहीं हो रहा जी राम मंदिर बनने से, ये जबरदस्ती की एक नैरेटिव क्रिएट करा जा रहा है कि राम मंदिर से लोगों को तकलीफ हो रही है या विपक्ष को राम मंदिर पसंद नहीं आ रहा। राम मंदिर बन गया, जिनको बनना था, जिनको पसंद आ गया आ गया, जिनको ना पसंद था ना पसंद रहेगा। खुल के बात है, सीधी सी बात है, राम मंदिर वो बन गया, मुझे भी पसंद आया। जिस दिन उसका प्राण प्रतिष्ठा होगी मैं भी दिए जलाऊंगा, राजनीति हो रही है क्या उस पर? मैं भी दिए जलाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। अच्छा। ब्राह्मण होने के बावजूद, राम जी को मानने के बावजूद, राम मंदिर पे जिस दिन वाले कहते हैं जो हमारे साथ नहीं वो हिंदू ही नहीं है, लोकतंत्र खत्म कर रहा है ना, सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं? कौन होता है जब बीजेपी की स्थापना हुई है, 6 जून 1980 की स्थापना हुई है बीजेपी की, और मेरा तो जन्म ही 24 दिसंबर 1971 का है, मैं तो उससे 10 साल पहले का हिंदू हूँ, बीजेपी तो आज मेरे आगे 10 साल छोटी है। वो कैसे कह सकते हैं कि जो बीजेपी को नहीं मानता वो हिंदू नहीं है? इससे पहले का देश में हिंदू नहीं थे, कांग्रेस के राज में लगातार हिंदू नहीं थे, या किसी और का बीपी सिंह जी का राज आया तो हिंदू नहीं थे, हिंदुओं का ठेका इन्होंने ही ले लिया। राम मंदिर बन रहा है इसलिए ट्रक आंदोलन करवाया कांग्रेसियों ने, ताकि राम मंदिर आंदोलन और राम मंदिर को आपस में जोड़ना सबसे बड़ी बेवकूफी अगर ये लोग इस तरह से कहते हैं। ट्रक आंदोलन एक अलग चीज थी, ट्रक में आपने जो कानून लेके आए कि एक ट्रक ड्राइवर हुआ या कोई भी ड्राइवर हुआ, ये सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स के लिए नहीं था, कि अगर वो हिट एंड रन केस हो जाता है तो 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना होता है, ये पूरी तरह से गलत था। देखो हमेशा ट्रक वाले की या बस वाले की या किसी भी बड़े व्हीकल वाले की कोई गलती नहीं होती, कोई अपने आप जानता नहीं कि मैं, कोई नहीं चाहता कि मैं एक्सीडेंट करूं, कोई भी नहीं चाहता इस बात को, लेकिन रोड पे आप हमारे यहाँ हालत देखो, पैदल चलने वाले जो हैं वो बिना देखे सड़क पार करते हैं, यूं हाथ देंगे उधर से 70-80 की स्पीड पे गाड़ी आ रही होगी, यूं हाथ देंगे और निकलना शुरू कर देंगे। अरे भैया तू हाथ देके चार तेरे तो कदम चलेंगे, इतने में तो 40 मीटर क्रॉस कर लेती है गाड़ी, तो एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। साइकिल वाले चल रहे होंगे ना, वो पीछे रिफ्लेक्टर लगाते हैं, अंधेरे में हो या कुछ भी हो, बिना हाथ दिए वो फट से अपनी साइकिल मोड़ देते हैं। ठेले वालों का यही हाल होता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर उनके ऊपर आप इतना सख्त कानून थोपोगे तो उनके बाल बच्चों का क्या होगा? मनमानी करते हैं मोदी जी, तो इतना बोलता है, चुप रहा करना मोदी जी, पूरी बात मोदी जी मनमानी करते हैं, कितना मनमानी है, किसी से कुछ नहीं पूछा, कानून बना दिया, सही आरोप लगा रहे हैं क्या? ये कानून तभी तो पास हुआ था जब 143 सांसद बाहर थे, विपक्ष की आवाज नहीं सुनी गई, जो आवाज उठा रहा था उनको सबको सस्पेंड कर दिया, अकेले सदन में मौजूद थे, उठा के कानून पास कर दिया। तानाशाही बिल्कुल चल रही है। अच्छा। किसी कुछ लोगों ने पहले कहा था जब ये पार्लियामेंट बनी थी कि इस पार्लियामेंट का डिजाइन जो है ताबूत के जैसा बनाया गया है, तो ये बात साबित हो गई। अच्छा। ये वास्तव में ताबूत जैसा बनाया गया बिल्कुल, 143 सांसद सस्पेंड कर दिए। हाँ। तो लोकतंत्र तो ताबूत साबित होगी ना, नई संसद।
इसीलिए ईवीएम पे मुद्दा उठाया जा रहा है ताकि सरकार को गिराया जा सके। ईवीएम पे मुद्दा तो सर इस वजह से नहीं उठा रहा है, ईवीएम की आपको सारी डिटेल दी थी, आप दोबारा उस सवाल को कर रहे हो। सारे आपको बता दिया था कहाँ कहाँ झोल होता है ईवीएम का, किस किस तरह से झोल होता है। अगर वो मुद्दे सॉल्व कर देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। आप ईवीएम से भी चुनाव कराना चाहते हो, ठीक है जी, ईवीएम से चुनाव करा लो। इलेक्शन कमीशन सबसे पहले उस बात का जवाब दे दे कि 19 लाख ईवीएम मशीनें कहाँ हैं। अभी तो ईवीएम दफ्तर में आग भी लगी है। ईवीएम दफ्तर में आग लगी ना, फर्रुखाबाद में भी 800 ईवीएम मशीनें जल के राख हो गई। जैसे ये मसला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में काफी सारे वकीलों ने मिलकर पिटीशन डाली हुई है इसके खिलाफ, तो उसके बाद से 6 लाख वीवीपैट का न्यूज आ रही है कि 6 लाख वीवीपैट जो है वो खराब हो गई। कहां तो तुम्हारी ईवीएम में सेंध नहीं लग सकती, और कहां इमीडिएट वो रखी रखी 6 लाख वीवीपैट खराब हो गई, इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है ना। सही कह रहे हैं, ईवीएम बैन होनी चाहिए, मोदी जी सही कह रहे हैं। 2024 में जो इलेक्शन का जो बात हो रहे हैं, किसी के मन में बीजेपी है, किसी के मन में कांग्रेस है, कांग्रेस है या बीजेपी है, तो यहाँ पे जो अगर मुद्दा को जो पकड़ा जाएगा वो मशीन दोबारा नहीं होकर के अगर मोहर दोबारा अगर वोटिंग लगेगा, वोट होगा, तब मालूम चलेगा किसके मन में बीजेपी है और किसके मन में कांग्रेस है। अगर ये बात मैं गलत बोला हूँ तो कोई भाई भी जवाब दे सकते हो यहाँ पे। जो भी 2024 में अच्छे काम नहीं करेगा कोई भी, अगर मोदी जी अगर अच्छा काम करते हैं तो पूरे भारत में लेकर के एक जैसा कानून नहीं बनाते हैं। गलत बोल रहे हैं मोदी जी, बढ़िया भाई, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, जनरेशन पीछे नहीं जाएगी। इस भाई को बोलो गांव जाएगा तो इस बार बैलगाड़ी से जाएगा, ट्रेन से नहीं जाएगा। मोदी सरकार जैसा कोई नेता नहीं, बैग जाना चाहते सर। सर अगर बात किया जाए मोदी के, कांग्रेस के राज में भी तो अगर भारत में ट्रेन में जाते थे आदमी, क्या सबसे बढ़िया काम हुआ, 4-5 काम बता दीजिए। मोदी जी के राज में सारे बढ़िया काम, रोड अच्छे हो गए, रोड अच्छे हो गए, वन दूसरा गैस चूल्हा मिल गया, औरतें थी जो चूल्हे पे अपनी आंखें सुझा लेती थी उनको अब राहत हुई है। दूसरा जो आदमी खुले में यहाँ पर लाल किले के बाहर यहाँ पर लैट्रिन करते हुए नजर आते थे वो शौचालय में जा रहे हैं सब जगह, और साफ सफाई पहले से बेहतर है, और अब डिजिटल हो चुका है, हर कोई यूट्यूब चला रहा है। पहले किसी को कानून का भी भाई बोल रहा ना, उसको 1% भी ज्ञान नहीं था, डिजिटल करवा दिया, पूरा डिजिटल हो गया, और डिजिटल कर दिया, शौचालय बना दिए जी, गोल्डन कार्ड आरोग्य कार्ड जो 5 लाख रुपए दिया किस, तू भाई तेरे कार्ड को मोदी 15 लाख की हर बंदे के खाते में 15 लाख, अरे 50-50 लाख दे दिया सबको यार, 50-50 लाख दे दिया। किसको मिले, आपको मिले, बिल्कुल मिल गए, मिले देखिए 5 लाख गोल्डन कार्ड का, जो रोड सुरक्षित है, जो रोड अच्छे बन गए जिससे एक्सीडेंट कम हो रहे, पूरी मेरी जान अकाउंट में 50 लाख है, हाँ। बिल्कुल है मेरे अकाउंट में, मोदी जी ने बिल्कुल, मोदी जी ने 50 लाख भिजवा दिया, और क्या चाहिए, देखिए इनके अकाउंट में भिजवा है, बोल रहे हैं 50 लाख भिजवा, आपके अकाउंट में नहीं आए क्या, पता नहीं भाई जिनका आया हूँ, इन जैसे लोगों को क्या जवाब दे, कहते हैं हंसी आती है और बहुत जोर से आती है, ऐसे इनके जो वर्ग झूठे अलियर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, अभी तो ये भी नहीं पता होगा कि भाजी और खाजा क्या होता है। अगर हमारे अकाउंट में, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट जरा भाई साहब से पूछ रहे हैं, भाजी और वो खाजा क्या होता है, जरा एक बार बता दीजिए। ये तो इन्हीं को पता होगा भाजी खाजा क्या है, ये पप्पू वाले नहीं इतने 50 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आ जाते ना तो हम भी मोदी के ही गुण गाते। हाँ सबके अकाउंट में ऐसे नहीं डालेंगे, सुविधाएं देंगे, वो सीधी सी बात है, देश आगे बढ़ रहा है, कुल मिला के बात ये कह रहे हैं, डिजिटल हो रहा है। बात तो कौन की थी, बात हुई थी डिजिटल की, बात क्या है, डिजिटल से कौन इनकार कर रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, सब कुछ बढ़ती है, टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ रहा है, तो कांग्रेस के समय में बिल्कुल, लेकिन वो इन बात को जानते नहीं है क्योंकि इन्होंने YouTube चलाना 2014 के बाद से सीखा, जब जियो ने फ्री करके इनको कनेक्शन दे दिए थे, तो इनके तो आंखें तभी खुली हैं, तो इन्हें डिजिटल तब दिखेगा, इन्हें से 2014 से पहले बने हुए 91,000 किलोमीटर का नेटवर्क हमारा हाईवे का, वो इन्हें नहीं दिखेगा, इन्हें पता ही नहीं होगा कि कितना नेटवर्क था हमारा, जो आज पूरे 10 सालों में जितना इतना ढोल पीटा जाता है, मात्र 30,000 किलोमीटर का नेटवर्क और एड ऑन हुआ है, और उस 30,000 की पूरी बात सुन लीजिए, बाद में बीच में उस 30,000 किलोमीटर में 4 लेन का हाईवे बनाया जाता है, जब वो 1 किलोमीटर कंप्लीट हो जाता है तो उसे 4 किलोमीटर की संज्ञा दी जाती है कि हमने 4 किलोमीटर का हाईवे बना दिया गया है, क्योंकि वो 4 लेन तक हमने 1, 2, 3, 4 लेन का करके इस तरह से करके उसे 1 किलोमीटर को 4 किलोमीटर में कन्वर्ट करके ये आंकड़ों का खेल करा जाता है, असलियत ये है इनकी। अब इस चीज को इनको नहीं मालूम, इनका ज्ञान नहीं है, तो फिर इसमें क्या करा जा सकता है, किस किस अंधभक्त से लड़े हम, अच्छा किस किस अंधभक्त से लड़े हैं, अंधभक्ति चल रही है क्या देश में, पूरी तरह चल रही है सर, पूरी तरह चल रही है, 100% चल रही है। विष्णु का अवतार बताया जा रहा है, ये भगवान राम से बड़े हो गए हैं, ये विष्णु का अवतार है, अब ये देखो आप, ये है, ये कत लोग, ये कलयुग में विष्णु का अवतार, ये भगवान राम से बड़े हो गए, राम जी, मोदी जी, राम जी, राम जी, मोदी राम है, मोदी राम है, मोदी राम जी, नमस्कार।
ऐसा है, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा सर, इसे तो इडलिंग गलत बनाया गया था। मोदी जी क्या समस्या है, लोग कह रहे हैं विष्णु का अवतार है, राम मंदिर बना रहे हैं। एक मिनट सुन लीजिए ना, बोला भगवान बनकर कह रहे हैं, मोदी जी भगवान है, मेरी भी तो सुन लो। उन सर ने कहा कि 2014 के बाद ही मैंने यूट्यूब चलाना सीखा, इन भैया ने जवाब दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इनके अगर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने सारा काम कर दिया था तो रोडों पे गड्ढे क्यों थे उस टाइम पे, रोडों पे गड्ढे क्यों थे इस टाइम पे? आज आप जाओगे रोड पे बिल्कुल आपको आप जरा पेट का पानी तक नहीं हिलेगा आपके, ऐसे रोड है आज। आपसे जानना है क्या समस्या, 2014 से पहले ना डिजिटल वाला क्या काम किया, क्या चीज यूज की थी 2014 से पहले डिजिटल वाली? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एक चीज बता दे बस, क्या चीज यूज करी थी आपने 2014 से पहले डिजिटल में? डिजिटल में क्या क्या चीजें यूज थी 2014 से पहले? अच्छा, 2014 से पहले 2003 में ही हमारा सिस्टम शुरू हो चुका था, जब सबसे पहले कंप्यूटर का राज हुआ था 1984 के बाद। जब कंप्यूटर आया था तब बीजेपी ने ही विरोध करा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी में बैठ के संसद पहुंचे थे कि ये डिजिटल। हाँ, एक चीज याद आ गई, मोदी जी ने क्या यूज करा था कांग्रेस के टाइम पे? मोदी जी ने स्वयं यूज करा था, उन्होंने ईमेल कर दी थी। अरे वो बात अलग थी, ईमेल आई भी नहीं। मोदी जी ने यूज करा था, मेरी बात सुनो। 92 में नहीं, 88 में उन्होंने, 88 में, जबकि तब ईमेल भी नहीं बनी। 92 में हमारे यहाँ मेल शुरू हुई थी और वो भी इंटरनेट का जमाना नहीं था, तब जाके मोदी जी ने तो आविष्कार कर दिया था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना, यथा राजा तथा प्रजा, तो वो हालत इनकी है। और जब डिजिटलकरण की आप ये बात करते हैं, राजीव गांधी जी लेके आए थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बकायदा विरोध करा था बैलगाड़ी। जवाब मोदी जी ने खुद बोला, डिजिटल कैमरा यूज बता रहा हूँ ना, डिजिटल कैमरा क्या यूज किया था इन्होंने कांग्रेस की दम तोड़ा। डिजिटल कैमरा आप देखो ना, किसने आविष्कार किया था उसका? और दूसरी बात, जो कांग्रेस ने डिजिटल का आविष्कार किया, बीजेपी की भी कोई पूरी बात कर दीजिए। डिजिटल जो हुआ है कांग्रेस ने शुरुआत करी थी जो कह रहे हैं राजीव गांधी के समय, और ये मनमोहन सिंह के समय तक भी पूरा नहीं कर पाए, जबकि मोदी 2014 में आया और 2018 में पूरा डिजिटल है। देखो आप भी कैमरामैन बन गए और लेके घूम रहे हो, वैसे न्यूज चैनल वाले बन गए ना, यूट्यूबर न्यूज चैनल वाले बन गए, वैसे नहीं बन पाते आप बिल्कुल भी। ये वहाँ पे इनका 2014 से पहले भी कंटिन्यू चल रही थी, तब डाटा महंगा होता था, लोग अपने सिर्फ इस्तेमाल करते थे अपने काम के लिए। ये भाई साहब काम कर रहे, मैंने तो बेचा है भाई, डाटा पैक बेचे हैं 200 मोबाइल का मेरा काम था। 1997-98 में मैंने दबा के काम करा, इंटरनेट के रिचार्ज करता था मैं। ये मेरे से बहस कर रहे हैं कि इंटरनेट नहीं था 2003, फिर तो और कैसा चाहिए? अब क्या कर दिया उन्होंने, अब 1 GB डाटा रोज देखे, इन जैसे लोगों का दिमाग सट गया है। ये गूगल की रिपोर्ट है, 2014 से पहले भारत बीफ एक्सपोर्ट में 5वें नंबर पे था, अब नंबर वन है। गौ हत्या को 5 गुना बढ़ा दिया, प्रति वर्ष 18,50,000 मीट्रिक टन बीफ का निर्यात होता है भारत में, ब्राजील के साथ प्रथम नंबर पर है भारत। ये है पहले कर्जा कितना था भारत के ऊपर, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, पोस्टर लेकर आ गए, मोदी भक्त बन रहे हो आप? कहाँ गए हो? सवाल ये है, 24 के चुनाव आ रहे हैं, जल्दी से खत्म करूंगा, बहुत लंबी डिबेट हो गई है, क्या होगा इस बार? ऐसा है कि सबसे पहले तो ईवीएम समाप्त होगी तो अच्छा होगा, नहीं तो सर्व सत्यानाश होगा। अच्छा, क्या होगा? बैलेट पेपर चालू कराओ तो सब कुछ फाइनल। मेरे ख्याल से जाने चाहिए, क्या है तो पक्का जाना तय है मोदी जी जाएंगे 2024। 1984 में कितने सीट आए थे मोदी जी का? 1984 में अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो बीजेपी फिर 400 प्लस होगी, और अगर ईवीएम से नहीं हुआ तो 100 सीट भी नहीं आएगी बीजेपी की। इस बार राहुल गांधी की सरकार आएगी और 100% आएगी। हाँ जी जी बताइए, इस बार अगर वो क्या कहते हैं ईवीएम मशीन से अगर चुनाव होते तो 400 पार, और अगर वैलेट से होते हैं तो इस बार 500 पार। लोग बैठे हुए ईवीएम के धरने के लिए, क्या दिक्कत है सर? हमारी दिक्कत ये है कि हमारी मांग है कि ईवीएम को हटाया जाए, क्योंकि ये ईवीएम को हैक करके और ईवीएम के तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी जीतती है ये इलेक्शन, ठीक है ना? और आप अगर आप साफ सुथरे इतने अच्छे हो, इंसान हो, आपकी पार्टी इतनी अच्छी है, आपकी पार्टी इतनी बहुत अच्छी पार्टी है, तो आप ईवीएम हटा दो ना। देश की ईवीएम से समय कितना खराब होगा वो नहीं देख रहे क्या आधुनिक युग में? कुछ नहीं खराब होगा, एक दिन समय और बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ईवीएम हटाओ।
मैं चाह रहा हूँ ईवीएम आप हटाओ, बैलेट पेपर से इलेक्शन करो। मोदी जी पे भरोसा नहीं, जीत के दिखा दो तब मैं भारत की संस्था पे आपका जूता, आपका जूता मेरा सर। अगर आप ईवीएम हटा देते हो और वॉलेट पेपर से अगर आप जीत जाते हो तो आपका जूता मेरा सर। विपक्षी पार्टियां भी तो विरोध नहीं कर रही ना, बोलने से क्या होता है? अरे नहीं करेगी, जनता वोट देती है ना तो जनता विरोध करेगी। मैं वोट देता हूँ तो मैं क्यों नहीं विरोध करूंगा, ये बताओ आप। विरोध क्या सर, मोदी जी हर जगह जीत रहे हैं, वहाँ ईवीएम से जीते हैं क्या? जनता में सब जगह मोदी, मैं कह रहा हूँ इसीलिए तो कह रहा हूँ कि चोरी तरीके से जीता जा रहा है ईवीएम से। देश की जनता क्यों नहीं समझ रही बहन करा जाता है? अच्छा, और तो राम मंदिर बन रहा है इसलिए विरोध तो नहीं कर रहे? राम मंदिर की ओपनिंग है, सुनो, राम मंदिर से कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर शांति का घर है, मंदिर और बनना चाहिए, मंदिर बनने में कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर बनाओ, दरगाह बनाओ, है मस्जिद बनाओ, ईवीएम से क्या दिक्कत? सुनो, हॉस्पिटल मत बनाओ, अच्छा स्कूल मत बनाओ, कॉलेज मत बनाओ, सारे मजहब भर दो। मंदिर में है जाके भीख मांगेगा और पुजारी पूजा करेगा, दरगाह में जाके खादिमगिरी करेगा और बंदा लोग जाके भीख मांगेगा। यही देश में चलते रहेगा, कोई शिक्षा विद्यालय नहीं बनना चाहिए। क्या नहीं बनने चाहिए? अरे ईवीएम पर भरोसा नहीं है, ईवीएम से चुनाव रोकना चाह रहा है। ईवीएम से चुनाव का भी रोकता नहीं है। लोकसभा जनता की अदालत जब चलता है ना, ईवीएम बैन होना चाहिए। ईवीएम बैन होना चाहिए क्यों? मतलब क्या क्या दिक्कत है? अमेरिका सबसे बड़ा देश है, उसका कितना साइंटिस्ट, कितना नॉलेज है अमेरिका में। अमेरिका क्यों ईवीएम से नहीं कराता है? वो नहीं करा सकते अमेरिका वाला, जापान वाला, जापान टेक्निकल कितना है जापान में, जापान वाला क्यों नहीं करा था ईवीएम में? तो इसका मोदी का क्यों ऐसे फटने लग गया? बात यहाँ पे सरकार की नहीं है, बात यहाँ पे सरकार की नहीं है, किसी भी सरकार हो, लेकिन जो हमारा पहले से जो नियम चल, जो हमारा इलेक्शन का पहले से नियम चल रहा था वॉलेट पेपर का, वो चले, क्योंकि ये आपको पता है अभी अगर आपके अकाउंट में अगर अभी बैलेंस मान लीजिए 1,00,000 रुपए है, किसी इलीगल अगर कंपनी किसी इलीगल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करते हैं, वहाँ से एक्सेस करते हैं, तो आपका जब फोन हैक हो सकता है तो ईवीएम मशीन क्यों नहीं हो सकता है, ये बताइए? ये कैसे भरोसा नहीं है? इसीलिए भरोसा नहीं है, निकाल लेता दूसरा का पैसा, दूसरा निकाल लेता है एटीएम से। ईवीएम का क्या भरोसा है? कोई भरोसा नहीं, ईवीएम बदल। अच्छा, मोदी सरकार ने कोई अच्छे काम नहीं करे क्या? देखिए, अगर आप बता दीजिए क्या अच्छा काम किया, आप गिना दीजिए। एक तो सबसे बड़ा काम राम मंदिर बन रहा है सर, ये देखिए एक रिलीजन है, मंदिर आज भी है और बरसों पहले भी था और आगे भी रहेगा, मंदिर हो या मस्जिद हो। देश मजबूत हो रहा है सर, आपको ये लग रहा है कि मंदिर बनने से देश मजबूत होगा? आपको ये लग रहा है? मोदी हो रहा है, शिक्षा नहीं रहेगा, देश कैसे मजबूत होगा? बात बताइए, मंदिर में, मंदिर हो या मस्जिद हो, वहाँ कोई बुक लेके जाके पढ़ेगा वहाँ पे? ये बताइए, वहाँ पे कोई एजुकेशन ग्रंथ सर? धर्म ग्रंथ आपके घर में नहीं है, आप वहाँ नहीं पढ़ते, वहाँ से एजुकेशन नहीं मिलेगा, आपके पेरेंट्स से एजुकेशन नहीं मिलेगा धर्म का? क्यों नहीं मिलेगा? सबसे बड़ा धर्म है, मोदी जो जात नीति करता है ना हिंदू मुसलमान के लड़ाने के लिए, तिरंगा फिली देगा नाना बटर का, देखा नहीं तुम लोग? जो देखा देखा है, जो जाति धर्म का राजनीति कर रहा है ना उसका पास कोई धर्म नहीं है, उसका कौन सी धर्म का उसको खुद मालूम नहीं है। सबसे बड़ा इंसानियत है धर्म, इंसानियत जिसके पास नहीं है उसका कोई धर्म ही नहीं है। मोदी का कोई धर्म? ईवीएम बैन होनी चाहिए क्या 24 चुनाव से पहले? हाँ बिल्कुल बैन होना चाहिए, भरोसा नहीं रहा मोदी? बिल्कुल नहीं ना, ईवीएम भरोसा ना, इनके कानूनों पर विश्वास रहा? क्या बढ़िया बढ़िया कानून ला रहे हैं? क्या ले आ रहे हैं? क्या आप बताओ, 9 साल 7 साल की आप ये बताओ, मोदी जी कह रहे थे 2014 में हम यह कर देंगे, मेट्रो सिटी बना देंगे, गरीबी दूर कर देंगे, हवाई जहाज में घुमाएंगे, चप्पल वालों कोई घुमा? सिर्फ उसकी खाल निकालने के सिवा उन्होंने मोदी जी ने कुछ नहीं किया। अरे गरीबों को राशन दे रहे हैं, कोई भूखा 5 किलो में तुम कई लोग है, क्या राशन 5 किलो में होता क्या है? राशन में 5 किलो राशन में क्या हो? देश आगे बढ़ रहा है, राम मंदिर बन रहा है, आप कोई प्रूफ दे दो कहाँ से देश आगे बढ़ा, कहाँ से बढ़ा देश आगे आप?